this record. अलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान शुरू हो चुका है, तो इफ्तार में पकौड़े, समोसे, इन सब चीज़ों के साथ में चटनी एक बहुत असेंशियल पार्ट प्ले करती है। तो नॉर्मली टमाटो केचप्स और ये सब चीज़ें जो है वो सब यूज़ करना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ। जैसे धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, तो ये सब तो बनाती हूँ। और इमली की चटनी बनाती हूँ। इमली की चटनी सब तरह के लोग अलग अलग प्रोसेस से बनाते हैं, तो मैं जो ये चटनी बनाने जा रही हूँ, इमली की चटनी, ये हर चीज़ के साथ में अच्छी लगती है। चाहे आप दही बड़े के साथ खाएँ इसको, या आप पकौड़े के साथ खाएं, समोसे के साथ खाएं, चाट के साथ खाएं, कचौरियों के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं। ये चटनी देखा जाता है एक तरीके से मल्टी चटनी है। तो चलिए किचन में इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, और काफ़ी झटपट से बनती है, काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। तो चलिए किचन में चलते हैं और इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मैं किचन में हूँ, तो इमली की चटनी है, तो जाहिर सी बात है इमली का ये मैंने अच्छे से इमली को गरम धो के गरम पानी में इमली को सोख किया था एटलीस्ट 2 घंटे। सारा उसका जो कुछ भी है पूरा पल्प, मतलब मैंने बिल्कुल स्मैश करके सारे बीज और सब कुछ हटा किए मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। ये मैंने गुड़ को, 2 बॉल्स थे गुड़ के इतने बड़े बड़े साइज़ के, उसको मैंने पानी में ये भिगा के थोड़े से हल्के ल्यूकवॉर्म वाटर में भिगा के इसको छान के निकाल लिया है। ये मैंने ली है ये 1/2 कप चीनी है, ये ड्राई जिंजर पाउडर जो कि सॉल्ट का पाउडर जिसको बोलते हैं, और फिर इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी हींग, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है। हींग 1/2 टेबल स्पून हींग यूज़ करूँगी। ये है सरसों के दाने, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, काला नमक, ये भुनी हुई तिल, और ये मैंने इंस्टेंट ड्राई मिक्स बनाया है जिसमें कि 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, और 1 टेबलस्पून काली मिर्ची है जिसको गोल मिर्च बोलते हैं, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया। सब 1 टेबलस्पून है। इस वाले टेबलस्पून से मैंने मेज़र करके निकाला था, तो यही वाले टेबलस्पून से तीनों 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून काली मिर्च, उसको ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके मैंने इस तरीके का पाउडर बना दिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल हम इसमें डाल देंगे, और इसमें मैं अभी डालूंगी ये मस्टर्ड सीड, एक सरसों के दाने, थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून, और डालूंगी मैं इसमें, तेल हल्का गर्म हो चुका है तो डालूंगी इसमें, मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ी सी, 2 चुटकी के बराबर मैं डालूंगी इसमें हींग। ज़्यादा हींग डालेंगे तो कड़वा भी हो जाएगा, और हींग जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये कि ये एसिडिटी से बचाता है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें ये हींग, तो अब इसको डाल के ना मैं इसको जो है थोड़ा सा इसका जगह से ये हींग लगेगा ना इस तरीके से, तो मैं इसमें डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, इसलिए कि अगर हम गुड़ जो है वो घिस के डालते थे, गुड़ को अगर घिस के डालते तो हम पानी ज़्यादा डालते थे, लेकिन गुड़ जो कि लिक्विड फॉर्म में है इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये गुड़ का पानी, गुड़ का पानी डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे ये चीनी। इसको हम लोग अच्छे से अभी चीनी को कम्प्लीटली मेल्ट होने तक इसको जो है हम लोग ऐसे ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इमली अभी हम लोग इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि जो है पकड़ इस वजह से शक्कर जो है गुलेगी नहीं, तो
और उसको अच्छे से इमली पकने तक, ये जो है चीनी घुलने तक उसको अच्छे से हम लोग पकाएंगे तेज आंच में। अभी आप देख सकते हैं कितने तेज़ी से अच्छे से बॉईल हो रहा है और चीनी भी पूरी तरीके से घुल चुकी है। तो अब हम इस लोग ना इसमें डालेंगे ये इमली का पानी। यही जो टाइम टेकिंग है ये चटनी में बनाने का, ये प्रोसेस यही टाइम टेकिंग लेता है। तो इसको हम लोग तेज़ आंच पे, ऐसे ही तेज़ आंच पे बॉईल करेंगे। और अभी ना हम लोग इसमें डाल देंगे एक चम्मच भर के काला नमक और इसके बाद यार कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे, दो टेबल हम डाल देंगे। इसको इस तरीके से हम लोग हिलाते रहेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे ये सौंठ का पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ऑलमोस्ट एक टेबल स्पून के जितना हम लोग इसको इसमें ये भी डाल देंगे। मेन जो टाइम टेकिंग है चटनी का ये यही होता है कि इसमें जो जब तक गाढ़ी नहीं हो बस यही जो है बॉईल होने का यही इसमें जाता है टाइम। एक उबाल आने देंगे इसमें अच्छे से, भी इसको भी तेज आंच में रख के छोड़ देंगे हम लोग और एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो इसमें अभी जो है ना हमने जो ये मिक्सचर बनाया था, एक टेबल स्पून गोल मिर्च, ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर, ज़ीरा, होल ज़ीरा और सौंफ का ड्राई रोस्ट करके जो हमने पाउडर बनाया था इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। और अब इसको उस वक्त तक हम चलाएंगे जब तक ये सारा जो ये बबल्स जो उठना ये बंद हो जाएंगे और एक तरह से ना इसमें शाइन टाइप की आ जाएगी। उस वक्त तक हम लोग इसको ज़्यादा एकदम पेस्ट की तरह नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी, बिल्कुल बीच की जो कंसिस्टेंसी रहेगी उस वक्त तक हम लोग इसको बॉयल करेंगे। वे हिलाते रहेंगे, बॉईल करते रहेंगे, नीचे लगने नहीं देंगे। फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये बबल्स इसमें जो भी जिस तरीके का झाग सब आ रहा था वो सारा कुछ बंद हो गया है और एक तरीके की ना इसमें शाइन जैसी आ गई है। यही इसका सिग्नल है कि ये चटनी पूरी तरीके से बन कर रेडी है। अभी ये थोड़ी सी मतलब हल्की डीली मतलब रनिंग कंसिस्टेंसी में हो गई है। तो इस टाइम पे हम लोग इस पर भुने हुए तिल डाल देंगे और इसको ना यूँ ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ऐसे ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। पूरी तरीके से जब ठंडा हो जाएगा ना तो मैं इसको इस वाले जार में या कोई भी जैम का जार हो या शहद की कांच की बोतल हो इस तरीके से हम लोग इसको इसमें स्टोर करके आराम से 7 से 8 महीने फ्रिज में या बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इसको रख सकते हैं हम लोग, इसको एंजॉय कर सकते हैं हम लोग पकौड़ों के साथ, कचौरी के साथ, इस चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व करना चाहे ये सब के साथ चली जाएगी। बहुत टेस्टी होती है। जो इसमें टाइम कंज्यूम होता है वो है इसको गाढ़ा होने में, क्योंकि अगर गुड़ हम ग्रेट करके डालते तो थोड़ा कम टाइम कम लगता, लेकिन गुड़ ग्रेट करके हमने नहीं डाला था इस, क्योंकि कभी कभी गुड़ में जो है ना वो मिट्टी उस टाइप का रहता है, तो उसको मैंने पिघला के छाना था वो सब कुछ और फिर इमली भी पानी वाली कंसिस्टेंसी में थी, फिर शक्कर ने अपना पानी छोड़ा था, फिर थोड़ा सा पानी हमने बीच में
भी डाला था, तो बस जो टाइम इसमें कंज्यूम होता है बस वो यही टाइम कंज्यूम होता है कि इसमें जो है बॉयल होने में होता है। तो इसको हम लोग यूँ ही ठंडा होने के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे अभी ऐसे। ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसको मैं जार में स्टोर करके आराम से फ्रिज में रखूँगी। मुझे तो लगता है कि मेरे घर के लिए ऑलमोस्ट पूरा रमजान तक काम मेरा हो जाएगा आराम से। तो ये रेडी है मेरी बनाई हुई इमली की चटनी, जिसे कि मैं मल्टी चटनी कहती हूँ। तो उसको मैंने इस तरीके से कांच की जार में मैंने इसको स्टोर कर दिया है। ये हल्की गर्म है तो इसको यूँ ही रखूँगी, ठंडा होने के बाद मैं इसको फ्रिज में आराम से स्टोर कर दूँगी। ये चटनी जैसे कि मैंने कहा किसी के साथ भी अच्छी लगती है, प्लीज़ वो पैक टमाटो केचप से तो काफ़ी अच्छी है, टेस्टी भी होती है। ये रेडी है रमजान केक का प्रिपरेशन, इमली की मल्टी चटनी जो कि कचौड़ी पकौड़ों समोसे सबके साथ अच्छी लगेगी। उम्मीद है आपका आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।